इज अकाशिक रिकॉर्ड? अकाशिक रिकॉर्ड जो है वो हमारा खुद का फील्ड है, हमारे सोल का फील्ड है वो, एंड इट इज द फील्ड विच इज देयर इन द स्पेस. वो इधर अर्थ वाले रेल में नहीं होता है. अर्थ में क्या कौन सा होता है? विच आर मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? बायोलॉजिकल टर्म में बताऊंगी. इससे ऊपर उठने के लिए हमें ये तीन चीजों से लड़के, ग्रेविटी से लड़के ऊपर जाना है. इसीलिए बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस ग्रेविटी पुल से बाहर नहीं निकल पाते हैं. दे आर वेरी कंफर्ट लाइक अ काउच पोटेटो. दे आर वेरी कंफर्ट बीइंग इन अ यूजुअल रूटीन लाइफ. क्योंकि मेडिटेशन के लिए तो और भी मेहनत लगता है ना. आंखें बंद करके चुपचाप बैठना इज अ वेरी बिग टास्क फॉर मेनी पीपल. सो वो ग्रेविटेशनल पुल जो है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है. व्हाट आर अकाशिक रिकॉर्ड्स? ये हमारे सोल के खुद का रिकॉर्ड है जो आकाशा में है. इट्स एन एस्ट्रल, इट्स मेड अप ऑफ एस्ट्रल एलिमेंट. एस्ट्रल एलिमेंट इज फिजिकल से फाइनर होता है. एस्ट्रल मैंने पहले भी बोला था, इफ यू ऑल वांट टू सी यू कैन सी दैट फिल्म स्पैनिश का एस्ट्रल सिटी. सो उसमें पूरा हमारे लाइफ टू डेथ तक एंड इवन द एस्ट्रल सिटी दे हैव शोन इन दैट फिल्म कि वहां पे क्या क्या होता है. सो इट इज मेड ऑफ दैट एलिमेंट, आकाशिक रिकॉर्ड. सो दिस आकाशिक रिकॉर्ड हैज गॉट ऑल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ का रिकॉर्डिंग ऑफ अ सोल. जिसका भी नाम लोगे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा. अगर आपने अपना लेना है तो आप जब हम ओपनिंग प्रेयर देंगे उसमें अपना पूरा नाम बोलना है जो आधार कार्ड में है, मतलब जो परमिट में है, पासपोर्ट या आधार कार्ड. शादी के बाद भी अगर आप, बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं चेंज किया आधार कार्ड या पासपोर्ट तो दैट्स फाइन, फिर वही चलेगा. जैसे गुप्ता का अग्रवाल हो गया बट आपने गुप्ता ही रखा है तो गुप्ता ही चलेगा, अग्रवाल को नहीं चलेगा. सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मैंने दूसरे मास्टर से सीखा था ना, तो उन्होंने बोला था कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वो यूज करना है. तो वो तो टीचर टू टीचर वेरी करेगा. आप यूट्यूब खोल लो आप तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे. वो आपकी मर्जी है, आपको अपने दूसरे मास्टर का याद करना है या मेरा करना है, दैट्स अप टू यू. द चॉइस इज अप टू यू. ओके ओके, थैंक यू. ओके.